इंडियन मॉम चंद्रा के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी 11 बज गए सुबह के और अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे टंकी है घर के पास में नीचे, वहाँ पे जाते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने, क्योंकि घर पे पानी इतना आता नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए टंकी पे जाते हैं नहाने। बहुत बड़ी सी टंकी है तो वहाँ बहुत सारा जितना मर्जी नहा लो। और ये देखिए इतने सारे कपड़े जो मुझे वॉश करने हैं, तो कपड़े भी वॉश करेंगे वहीं पर, और बच्चे भी हैं मेरे साथ, बच्चे जा रहे हैं आगे आगे। और ये बच्चे जा रहे हैं आगे, अकबर से यहाँ पर चल भी नहीं पा रहा है। और ये है टंकी पानी की, तो यहीं पे हमें नहाने जाना है। और यहाँ का रास्ता देखो कितना ख़राब है, अगर थोड़ा सा भी हमारा पैर फिसला ना तो हम सीधा वहाँ गधेरे में पहुँचेंगे, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा। ये देखिए कितना टफ है यहाँ का रास्ता। और यहाँ पे सांप होते हैं बहुत, तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है कहीं सांप वाप है तो नहीं। और हम यहाँ पे नहाने आ गए हैं, छोटे छोटे वो क्या होता है, हम नहाने आए, हम नहाने आए। ओ ओ ओ, चलो पानी का नल खोलो। ओ आई आई कैप्टन, मुझे उतारो प्लीज, मैं सीट पे बैठ गया। और इन दोनों की मस्ती शुरू हो गई यहाँ पे। कैसा है पानी? अक्रिस नहीं, वो टावल मत फेंको, अक्रिस डालो सर में पानी डालो। पानी बहुत ठंडा होता है ये, तो चलिए मैं कपड़े धोती हूँ। देख वहाँ नहाने नहाने के बाद जो कपड़े पहनने वो रखे हुए, देख तूने मेरा पैजामा पूरा भिगा दिया। अरे मैं खोलूंगा पूरा, मैं खोलूंगा। तो जी शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं घास काटने, तो मैं है और मम्मी जी हैं साथ में। मम्मी जी है मेरे साथ और बच्चे भी आ गए दोनों, क्योंकि पापा और इनके पापा जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा तो पानी देखने जा रहे हैं कहाँ से ख़राब है, तो घर पे कोई नहीं था इसलिए हम बच्चों को लेके आ गए। और अभी घास काटते हैं यहाँ पे। और अक्रिश इस रास्ते में चल भी नहीं पा रहा है, ये देखो कैसे चल रहा है अक्रिश। तो जी यहाँ पे घास काट के हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर पे आके सबसे पहला काम मम्मी जी का होता है भैंस को बाहर बांधने का। तो यहाँ पे उसको हम बाहर बांधते हैं, दिन में वो अंदर ही रहती है, मतलब गोट बोलते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी भैंस वगैरह को बांधते हैं ना, वहाँ पे तो वहाँ रहती है। तो अभी बाहर बांध दिया क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो गर्मी काफ़ी, भैंस को गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए दिन में हम इसको गोट में ही रखते हैं। और अभी इसको बाहर बांधेंगे तो ये पूरी रात भर बाहर में ही रहेगी, और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उसके बाद हम इसको अगेन गोट बांध देंगे। तो देखिए हमारी थोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और उसके लिए हम इतनी सारी घास काट के लाए हैं, और बस इतना ही घास रखा है बाहर, जो बाकी घास है वो हमने गोट रख दिया है, क्योंकि घास ना पूरी धूप में नहीं तो सूख जाती है। और यहाँ पे देखिए चूल्हे में बन रहा है गर्मा गर्म रात का खाना, तो चूल्हे में ही हम गांव में जाके खाना बनाते हैं, और आग देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने से। तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म कोफ्ते की सब्ज़ी, तो यहाँ पे मैंने लौकी कद्दूकस करके और उसमें बेसन वगैरह मसाले सारे मिक्स करके रख दिए हैं कोफ्ते बनने के लिए। तो यहाँ पे पकोड़े मैं फ्राई कर रही हूँ, और पकोड़े मैं हल्का फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे, क्योंकि बाद में ग्रेवी के साथ भी ये पकेंगे ना। तो देखिए चूल्हे में ही मैं पकौड़ी
ही बना रही हूँ। और बच्चे ना मांग भी देते हैं कभी खाने के लिए, तो दो चार मैं ज़्यादा पका लूँगी ताकि बच्चे उनको खा लें। और बस यहाँ पे मसाले वगैरह मैंने सारे पीस लिए थे जो कि सिलबट्टे में पीसे हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है ऐसे। तो यहाँ पे पकौड़ी फ्राई करते हैं, और दो बार तक मुझे पकौड़ी फ्राई करनी थी, मतलब दो बार के लिए थी पकौड़ी फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद फिर आती है रोटी बनाने की बारी, तो रोटी भी मैं चूल्हे में ही बनाऊँगी। और गांव में जाके इस तरीके से खाना बना के खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और चूल्हे के खाने का टेस्ट ना गैस के खाने से ज़्यादा अच्छा भी आता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं और फिर करेंगे हम लोग डिनर। और फिलहाल इसी के साथ ही अपने आज का व्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।